तो देखिए मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बुरहानपुर जिले से होगी, जिसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तैयारियों में जुट गए हैं। गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा ने बुरहानपुर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर बंसलियों संवाददाता गणेश दुनगे ने अरुण यादव से खास बातचीत की। वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और आगामी 20 नवंबर को वह भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से की सीमा में प्रवेश कर रही है और उसका ही स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारे साथ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। देश को आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और अब लोगों को भारत को कैसे जोड़ा जाए, एक एजेंडा लेकर माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 21 नवंबर को यात्रा का प्रवेश होगा और वो हमारे बोदरली जो हमारा इलाका है जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है वहाँ पर उनका प्रवेश होने की संभावना अभी तक जो 22 प्रोग्राम आया होगा और मध्य प्रदेश में लगभग 13-14 दिन तक ये यात्रा चलेगी और उसके बाद राजस्थान की ओर कूच करेंगे। तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में उनका प्रवेश हो तो एक ऐतिहासिक प्रवेश मध्य प्रदेश में उनका हो और अधिक से अधिक तादाद में हमारे नेता कार्यकर्ता वहाँ पहुँचें और इस पूर्ण यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी हमारे साथी कार्यकर्ता नेता माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त नजर आ रही है और जैसा कि अरुण यादव जी ने बताया कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उनके बॉर्डर पर पहुँचेंगे और उनका स्वागत करेंगे और 2023-24 में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बंसल न्यूज़ के लिए गणेश दुनगे, बुरहानपुर।